हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं अपोजिट रेस्क्यू एंड क्रिएशंस और मैं हूं निशा। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं ना, नहाने के बाद तो नींद के क्या कहने भाई। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ में छोटा सा ब्लॉग शेयर कर दूं, जिसमें मैंने नहलाया कैरेमल ब्रूनो और माइलो को। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप कैसे नहलाते हैं, कैसे करते हैं, आपके बच्चे काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं। तो मुझे लगा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए। आज नहा लिया कैरेमल। देखे नहाने के बाद मैं इसको कुछ ज़्यादा ही बॉडी पे ना खुजली हो रही है, ये देख सकते हैं आप। ब्रूनो बिल्कुल गीला है अभी, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है क्योंकि मैंने इसको टॉल के साथ सुखा दिया है। और हाँ, आप लोग जब भी डॉग्स को नहलाएं ना, एक टाइम ज़रूर याद रखें, इनको दिन के टाइम में सुबह 10 से 3 बजे तक के बीच में नहलाएं। उसके बाद में बिल्कुल भी ना नहलाएं, क्योंकि डॉग्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको ना बहुत जल्दी फीवर या फिर चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है कई बार नहाने से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और उस टाइम के बीच में नहलाएं। इसके अलावा इन दिनों में टिक्स फ्लीज वगैरह बहुत सारे लग जाते हैं, तो काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है इन दिनों में, जिससे कि टिक फीवर, स्किन इन्फेक्शन जैसी काफ़ी बीमारियाँ बच्चों को लग जाती हैं। हमारे फरी बेबीज़ बेचारे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कैरेमल भी नहा लिया है अच्छे से, मैंने इसको टॉवल से सुखा दिया और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ इसको ब्रशिंग, क्योंकि नहलाने के बाद जब थोड़ा सूख जाए बच्चा, तो आप चाहें तो ड्रायर भी कर सकते हैं, ड्रायर करने के बाद ब्रशिंग कर सकते हैं। ब्रशिंग करने से क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा बाल टूटने वाले होते हैं वो निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद में मैं इनको लगा दूँगी हल्का सा कोई भी इनका जो डॉग्स वाला आता है ना बॉडी स्प्रे वगैरह, वो लगा के इनको अच्छे से बिठा दूंगी। और ये देखिए, लगाने के बाद में कैरेमल तो सो भी गया, बहुत अच्छी नींद आई थी इसे। अब चाहें अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके डॉग के बॉडी पे टिक्स फ्लीज वगैरह हैं, तो ऐसे ब्रश भी आते हैं मार्केट में डॉग्स के लिए स्पेशली, आप ये भी ला सकते हैं। फिर बहरहाल मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है कोई टिक या कुछ भी, तो मैं इनको ऐसे ही ब्रशिंग कर रही हूँ। मैंने इसके गले से भी ये कॉलर भी निकाल दिया है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक गीला रहता है, तो इनको थोड़ा इरीटेट करता है। और मैंने उसको निकाल के धो करके अलग से मैं उसको सुखा दूंगी, सूखने के बाद में फिर मैं इनको डालूंगी। अभी देखिए ब्रशिंग इसकी बहुत अच्छे से होगी, इसको लग रहा है कि मैं और ब्रशिंग करूँ इसको, क्योंकि इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये करने के साथ साथ आप अपने डॉग के घर पर ही नेल्स भी कट कर सकते हैं। और जैसे ही अपने डॉग को नहलाएं, नहलाने का शेड्यूल सेट करें वीकली, और इसके साथ साथ इनके कान भी साफ़ करें। अभी आई ब्रूनो की बारी, तो ब्रूनो का भी मैंने कॉलर हटा दी और इसको ब्रशिंग करने शुरू कर दी है। अगर आपका डॉग ना, कई बार बोलते हैं ना स्प्रे जो होता है ना बॉडी स्प्रे वगैरह, उससे कई बार डॉग ना डरते हैं, तो हम क्या करते हैं ना बॉडी ब्रशिंग करने के बाद में जितना बाल वगैरह झड़ जाए, जब क्लीन हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद में ब्रश के ऊपर ही हल्का स्प्रे करके इनकी बॉडी पर अच्छे से उस ब्रश को अगर आप लगा देंगे ना, तो भी बहुत अच्छी इनके पास एक प्यारी सी फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी। होममेड बॉडी स्प्रे इनके लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत जल्द ही मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम हर चीज़ को लगता है। मैंने अभी भी काफ़ी दिनों से, ये देखिए इस तरीके से बॉडी ब्रश पे स्प्रे करके ना आप अपने डॉग्स पे, आपने देखा जब जैसे ही मैंने ब्रश पे स्प्रे किया ब्रूनो भाग गया, क्योंकि मेरे भी डॉग्स काफ़ी डरते हैं। अभी ये माइलो की बारी, माइलो नहा के आ चुका है और मैं इसको कर रही हूँ टॉल्स के साथ अच्छे से क्लीन। जब भी आप टॉल के साथ में इसको इनको सुखाएं ना, तो इनके जॉइंट्स जैसे होते हैं ना, टांगों के जॉइंट्स, लेग्स के मतलब अंडर लेग्स वगैरह, ईयर्स वगैरह, आइज़ वगैरह, इनकी काफ़ी अच्छे से आपको कोशिश करें कि क्लीन करें, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और क्लीन भी हो जाए। साथ ही साथ इनके कान, आइज़, पैर, पैरों के जॉइंट्स, हर चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दें, सुखा दें। और सुखाने के बाद में अब मैं इसको कर दूंगी ब्रशिंग। ये देखिए, ये बहुत मज़ा ले रहा है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है नहाते हुए भी, ये ना बैठ के बड़े अच्छे से बैठ के नहाता है, क्योंकि इसको ना बहुत मज़ा आता है। ये काफ़ी एज हो चुका है, लाइक 13 साल का, नियर अबाउट 13 ईयर्स का ये मेरा माइलो हो चुका है। मैंने इसको करीबन 2-2.5 साल पहले अडॉप्ट ही किया था, क्योंकि इसके एज होने के कारण इसका चलना फिरना बंद हो गया था, तो इसके घर वालों ने इसकी ज़िम्मेदारी लेने से, संभालने से इसको मना कर दिया, तो हमने इसको खुद ही अडॉप्ट कर लिया। खैर, अभी ये बहुत प्यारा बच्चा है और ये मैंने इसको कर दिया अच्छे से क्लीन। ये टांगों के जॉइंट्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी गीला रहेगा ना तो इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं माइलों की बॉडी पे पहले से ही हल्की फुल्की स्किन इन्फेक्शन है, इसको हर साल होती है, जब से ये मेरे पास आया है ना इसको स्किन इन्फेक्शन तो हो ही रही है, और इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, मैं साथ साथ इसको करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं इसको क्लीन भी साथ साथ करती रहूँ। इसको बहुत अच्छे से मैंने फ्ली और टिक, एंटी फ्ली और एंटी टिक शैम्पू से मैंने इसको नहलाया है और अच्छे से मैंने इसको ड्राई कर दिया। मेरे ये बच्चे हैं ना जो, वो ड्रायर से डरते हैं, इसलिए मैंने इनको
अच्छे से टॉल से, कॉटन के टॉल से मैंने इनको अच्छे से सुखा दिया है। अब मैं इसको करूँगी ब्रशिंग। ब्रशिंग करनी इसलिए जरूरी है, जो एक्स्ट्रा बाल जो झड़ते हैं ना डॉग्स के, हम में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे डॉग्स के ना बाल बहुत झड़ते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे डेली इनकी बॉडी पे एक बार ब्रशिंग कर देते हैं पूरे दिन में, तो आपके डॉग के बाल झड़ने काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ एक टिप मैं और आपको दे देती हूँ, जब भी आप अपने डॉग को खाना खिलाते हैं ना, तो उसके अंदर आधा चम्मच जो है कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, बशर्ते कोकोनट ऑयल थोड़ा ओरिजिनल हो तो और भी अच्छा है। वो डालने के बाद में आप अपने डॉग को खाना खिलाइए, आपके डॉग की फर बिल्कुल यानी कि शाइनियर और ब्यूटीफुल सी हो जाएगी और बाल झड़ने बहुत कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, मेरे बच्चों के बाल तो बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके डॉग के बाल झड़ रहे हैं तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके डॉग को फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और देखिए माइलो को ऐसे लग रहा है जब मैं उसको ब्रशिंग करती हूँ, उसको लग रहा है उसकी इचिंग वो खुद कर रहा है। अब इसके नेल्स भी आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबे हैं, ये आजकल ना नेल्स कटवा नहीं रहा, तो मैं इसके नेल्स काटने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ना बाहर जाकर अपने डॉग्स को बाहर दिलवाते हैं और बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं, तो इस तरीके से बहुत इजीली अपने डॉग को आप नहलवा सकते हैं, घर पर ही नहला सकते हैं। मैं तो किसी की खैर हेल्प नहीं लेती हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपने केयरटेकर की हेल्प ले सकते हैं नहलाने के बाद में। बस आपको ड्रायर मारना है, अपने घर पर ही ड्रायर सबके होते हैं, वो करने के बाद में इनको या फिर टॉल के साथ इनको सुखा दीजिए और ब्रशिंग कर दीजिए अच्छे से पूरी बॉडी के ऊपर, उनके पार्ट सब सुखा दीजिए। अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।